माता अग्नि में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु आप तो रोक लीजिए उन्हें, प्रभु रोक लीजिए माता को। कर्म, विचार और वाणी से जिस प्रकार मैं अपने कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ स्वामी के प्रति अटलता से निष्ठावान रही हूँ, उसी प्रकार हे अटल अग्नि, संपूर्ण सृष्टि साक्षी होगी जब आप मुझे रक्षित करेंगे। माता! चिंता, दुविधा, भय, संशय कुछ नहीं, मात्र विश्वास है मेरे हृदय में। नाथ की मर्यादा स्थिर रहेगी, मेरा सत्य प्रमाणित होगा। ये प्रचंड अग्नि तो लील रही है माता को, प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं, प्रभु उन्हें रोकते क्यों नहीं, आप उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते, प्रभु निकाल लीजिए माता को। सीते, मर्यादा का बंधन मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने पर बाध्य करता है। समझ गया प्रभु, आप कठोरता का आवरण अवश्य ओढ़ ले, परंतु आपके भीतर की कोमलता कहां छिप सकती है। अग्नि में प्रवेश माँ ने किया है प्रभु, परंतु अग्नि में जल तो आपका निर्मल हृदय रहा है। सीते, माँ गंगा के समान पवित्र हो तो ज्ञात है मुझे, ये कैसी विवशता है जिसके कारण तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। हे सीते, तुम्हें तनिक भी क्षति पहुंची तो तुम्हारे वियोग में मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगा। प्रभु की वेदना अश्रु बनकर उनके नेत्रों में आ ही गई। हनुमत वेदना वर्णन क्लिष्टा, तप रहे पीड़ा कपिष्टा। सीता माई और रघुराई, देखी दशा मन भर भर आई। राम सिया राम जय हनुमान। इत मर्यादा बंधे रघुनाथा, उत आदेश बंधे हनुमाना। अश्रु चक्षु से ले निकासी, वातावरण में बैठी उदासी। आपको कुछ नहीं हो सकता, जिस प्रकार जल जल में विलीन नहीं हो सकता, वायु के प्रचंड वेग से उत्पन्न आंधी पर्वत को नहीं डिगा सकती, उसी प्रकार ये अग्नि कितने भी प्रचंड क्यों न हो जाए, ये आपको नष्ट नहीं कर सकती माता।
हे भाभी माँ, निष्ठुर नियति कैसी विकट परीक्षा ले रही है आपकी, भैया की और हम सभी की। माता को कोई हानि पहुंचे ये असंभव है। सीते तुम धन्य हो, ऐसा प्रेम ऐसा समर्पण और किस में हो सकता है। परंतु अग्नि परीक्षा पूर्ण हो गई, अब तो इस अग्नि से बाहर आ जाओ सीते। इस अग्नि में ओझल होकर तुम भी मेरी परीक्षा ना लो, अन्यथा मैं मर्यादा भूलकर स्वयं भी इस अग्नि में समा जाऊंगा। सीते लौट आओ मेरे पास, लौट आओ। हे माता, माता सीता कुशल है, वे अपनी अग्नि परीक्षा में सफल रही। माता जानकी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता जानकी की महादेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माता। प्रणाम देवगण। हे श्री राम, हे धर्मशील, मन वचन बुद्धि और नेत्रों से जिन्होंने सदा आपको अपने हृदय में बसाकर रखा, आपको ही देखा, पूजा, वो उत्तम और पावन चरित्र को धारण करने वाली विशुद्ध हृदया पाप विमुक्त देवी सीता ने मुझ अग्नि में अपना समावेश करके अपनी पवित्रता से मुझे और भी पवित्र बना दिया। मैं इनकी पवित्रता का साक्षी हूं प्रभु, इन्हें निसंदेह पुनः स्वीकार कीजिए प्रभु। हे अग्निदेव, सूर्य देव की उष्णता, चंद्र देव की शीतलता पर जिस प्रकार प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, उसी प्रकार मेरी सीता तो पवित्रता की पुंज है।
उन पर संशय तो स्वयं अपने ऊपर विश्वास खोने के समान है। मैं दशरथ पुत्र राम, मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि के समक्ष, त्रिदेवियों के समक्ष, सभी देवी देवताओं के समक्ष, स्वयं ब्रह्मदेव के समक्ष और महादेव के समक्ष, संपूर्ण संसार के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि देवी सीता सर्वथा पवित्र है। तीनों लोकों में मिथिलेश नंदिनी जानकी के पावित्र्य की महिमा अतुलनीय है और मैं इन्हें पत्नी रूप में पुनः स्वीकार करना अपना सौभाग्य मानता हूं। एक समान विचार है, एक दूसरे के लिए एक समान भावनाएं हैं, बिना एक शब्द कहे एक दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं। दो नहीं, ये एक ही तो है, इसीलिए इन्हें दो भागों में विभक्त कर एक दूसरे से अलग करना कहां संभव है। शीघ्र पहुंचूंगा मैं मेरे जमाता रावण के भ्राता शतानन रावण के समक्ष, जागृत करूंगा उसे मैं। वही है जो राम सेना की प्रसन्नता को शोक में परिवर्तित कर सकता है, अंत कर सकता है उस सेना का।
वरमाला कपी हर्षित लाए राम सिया परस्पर पहनाए इंद्र सहित दशरथ जी पधारे राम अश्रु से पांव पखारे राम सिया लक्ष्मण व कपीसा परनामा कर पाए असीसा दशरथ बोले सुनो रघुराई तुमने विजय अधर्म पे पाई राम सिया राम जय हनुमान अब हो तुम्हारा अगला कर्मा अवध में राम राज सुधर्मा इंद्र कपीश अमृत दि प्रसन्ना जी उठे वानर मरणासन्ना जय जय राम सिया स्वर आए जयकारों से गूंजी दिशाएं अग्नि से सुरक्षित बाहर आकर देवी सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण जगत को दे दिया और श्री राम ने निष्पक्ष रहकर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने इस अग्नि परीक्षा के कारण ये जगत जन्म जन्मांतर तक आप दोनों की जोड़ी की पूजा सबसे पवित्र जोड़ी के रूप में करेगा माता जानकी की माता जानकी की प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की मुझे आभास हो रहा है यही कहीं है शतानन शीघ्र उसे ढूंढकर मात्र जागृत करना है मुझे फिर होगा विध्वंस उस राम सेना का शतानन रावण दर्शन दीजिए दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए महाराज दर्शन दीजिए शतानन रावण दर्शन दीजिए स्वयं राक्षस हूं मैं परंतु ऐसे भयंकर राक्षसी शीश मैंने आज तक नहीं देखे अवश्य ही उस चलायमान पुष्कल द्वीप पर स्थित राजभवन ही शतानन का निवास है परंतु इस द्वीप पर स्थित ये राजभवन तो अत्यंत भयंकर है प्रतीत होता है जैसे मायावी अग्नि प्रज्वलित है वहाँ मैं भयभीत होकर कदापि नहीं रुकूंगा अवश्य जाऊंगा मैं वहां जगाऊंगा शतानन को क्या हुआ हनुमान पुत्र हनुमान अब तुम्हारे नेत्रों से अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं माता मेरी और संपूर्ण वानर सेना की प्रसन्नता ही अश्रु रूप धारण कर व्यक्त हो रही है आप दोनों के इस शुभ मिलन के जिस सुखद पल की कल्पना हमारे साथ समस्त देवी देवताओं और समस्त संसार ने की थी वही सत्य रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है
जिससे अपरिमित प्रसन्नता की अनुभूति से हम भाव विभल हो रहे हैं। कैसा भयंकर मायावी संसार है ये। शतानन के सहस्त्र शीश तैर रहे हैं वायु में। तंद्रा तोड़िए शतानन, आपके जागृत होने का समय आ गया है। शतानन जागिए, शतानन रावण जागिए। अपनी निद्रा से जागृत होइए शतानन रावण, और तैयार हो जाइए राम और उसकी सेना को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए। धर्म की स्थापना के लिए कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है।